हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आज के वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाली हूँ डिफरेंस बिटवीन एंटीजन एंड एंटीबॉडी, जो कि क्लास ट्वेल्थ के बायोलॉजी में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी आप बायोलॉजी के एग्जामिनेशन में बैठते हो, प्री बोर्ड्स हो या फिर बोर्ड्स हो, तो ये क्वेश्चन हमेशा आता ही आता है। नीट एग्जामिनेशन में भी इसके बारे में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, तो ये बहुत ही ज़्यादा अधिक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्लीज़ इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आता है हमारा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन बजा दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो एक तरफ हमने लिखा है एंटीजन के बारे में और सेम दूसरी तरफ हमने लिखा है एंटीबॉडीज़ के बारे में। तो जब भी आप लोगों का डिफरेंस बिटवीन आता है, आपको बिल्कुल इसी तरीके से लिखना है, ठीक है? तो हम एंटीजन के बारे में आप लोगों को पहले बताते हैं। एंटीजन क्या होता है? एंटीजन को हम लोग इम्यूनोजेंस भी बोलते हैं, याद रखिएगा। एंटीजन ऑल्सो कॉल्ड एज इम्यूनोजेंस, ठीक है? वहीं एंटीबॉडी, एंटीबॉडी जो होता है उसको हम लोग इम्यूनोग्लोबुलेंस बोलते हैं, ठीक है? इम्यूनोजेंस एंटीजन को बोलते हैं और इम्यूनोग्लोबिन एंटीबॉडीज़ को बोलते हैं। पहला पॉइंट क्लियर है आप सबका? चलिए, अच्छी बात है। नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, एंटीजेंस आर यूजुअली लिपिड्स, हाउएवर दे कैन ऑल्सो बी प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड न्यूक्लिक एसिड। तो जब भी आपसे एंटीजन के बारे में पूछा होगा, आपको ये बात मेंशन करना पड़ेगा कि जो एंटीजन जो है वो यूजुअली लिपिड्स के फॉर्म में होते हैं और दे कैन ऑल्सो बी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स। तो ये जो पॉइंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको वहाँ पे मेंशन करना होगा। अब हम बात करते हैं एंटीबॉडी के बारे में। तो एंटीबॉडी, ऑल एंटीबॉडीज़ आर प्रोटीन, यानी कि जितने भी एंटीबॉडी होते हैं वो प्रोटीन होते हैं, ठीक है? अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 के बारे में। तो इफ़ेक्ट, एंटीजेंस कॉज एलर्जिक रिएक्शन और इवन इलनेस। अगर एंटीजन में कुछ एलर्जिक अगर कुछ होता है, एलर्जिक रिएक्शन होता है इसका इफेक्ट में, तो इलनेस हो सकता है। अब एंटीबॉडी के बारे में, तो प्रोटेस्ट अगेंस्ट द इफेक्ट ऑफ एंटीजन आइदर बाय लाइसिस और इम्यूनोलाइजेशन ऑफ द पार्टिकल। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, एंटीजेंस हैव ओरिजिन्स आउटसाइड द बॉडी। वही एंटीबॉडी जो होते हैं, एंटीबॉडी ऑलवेज ओरिजिनेट विद इन द बॉडी, ठीक है? तो ये वाला लाइन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो स्टूडेंट्स, अगर आज का ये आपको वीडियो हमारा पसंद आया है डिफरेंस बिटवीन एंटीजन एंड एंटीबॉडी, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। नेक्स्ट वीडियो में मैं और भी अच्छे अच्छे डिफरेंस बिटवीन लेकर के आऊँगी बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री से रिलेटेड, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।